मुंड्रॉप्स कंपनीच्या वतीने गोल्डन एरा हा प्रोग्राम आयोजित केला असून येत्या 24 सप्टेंबर रोजी गणेशपेठ येथील हॉटेल बिजिन येथे ऑडिशन घेण्यात येणार आहे. या टीमचा उद्देश म्हणजे कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचे लोकजागृती करणे हा आहे. मुंड्रॉप्स कंपनीच्या मार्फत गोल्डन एरा बाय हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. नागपुरात ऑडिशन 24 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 ते 4 या दरम्यान ऑडिशन घेण्यात येईल अशी माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली. तसेच ग्रँड फिनाले 16 ऑक्टोबरला मुंबई येथे होणार असून लोकजागृतीसाठी मुंड्रॉप्स कंपनीची टीम खूप परिश्रम घेत आहे. यावेळी प्रतीक बन्सल, अमित सावल, कविता मूलचंदानी, हर्षा झरिया, नेहा राठी यांच्या सहकार्याने लोकजागृतीकरिता कार्यक्रमाचे ऑडिशन नागपुरात घेत आहेत असे पत्रकार परिषदेत सांगितले गेले आहे. उसके हिसाब से अभी तो फिलहाल है मैं मुंबई में रहती हूँ और वहाँ पर मैं कुछ 1-1.5 साल से लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही थी. जो हमारे देश में कैंसर और कैंसर के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत जागरूक हो रहे हैं पर फिर भी बीमारियाँ कम नहीं हो रही हैं. और इसी में एक सबसे सेंसिटिव मुद्दा है ब्रेस्ट कैंसर का. अगर आप एक थोड़ा सा गूगल रिसर्च करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कम से कम 14 से 15 लाख महिलाओं की डेथ होती है हर साल पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर से. और सबसे दुख की बात यह है कि 50 से 60 महिलाएं इंडिया की हैं, यानी 7 से 8 लाख महिलाओं की जो कि 30 से 55 साल का जो उम्र जो सबसे पीक रहता है उम्र का उसमें डेथ हो रही है. हालाँकि ब्रेस्ट कैंसर ये जानलेवा कैंसर नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी कैंसर नहीं है. ना मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मैं अपनी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, पर ये बिल्कुल पर्सनल लेवल का डेटा और रिसर्च और थोड़ा बहुत साइकोलॉजी स्टडी करके समझ में आया है कि जो इंडियन महिलाएं हैं या जो भारतीय महिलाएं हैं वो लड़की होती है तब से उसकी परवरिश ऐसी होती है कि आपको तो शादी होने के बाद में आपके बच्चे, आपका परिवार ये आपकी प्रायोरिटी है. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.